असलम आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स कीमे वाले शामी कबाब मेरी रेसिपी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है आप वहाँ चेक कर सकते हैं इसको आप फ्रीजर भी कर सकते हैं ये मैं 500 ग्राम के बनाऊंगी, मगर मैंने इसके अंदर लिया हुआ है गोश्त इसको बोनलेस लिया हुआ था और इसकी मैंने बोटियाँ कर लिए और इसको मैंने वॉश करके ड्रेन कर लिया अब मैं इसको बॉयल करने रखूँगी ये मैंने लिया हुआ है तकरीबन दो सौ ग्राम जितना बोनलेस बोटियाँ हैं गोश्त की छः से सात जब मैंने लिए थे लहसन के इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया डेढ़ इंच का टुकड़ा जिंजर का एक लाच साइज का प्याज और बुलेट चिली मैंने एक ली हुई है और दो मैंने स्पाइसी वाली हरी चिल्ली ली हुई है और पाव पाव कप जितना मैंने लिया हुआ था दाल चने की दाल इसको मैंने भिगो दिया तकरीबन दो घंटा गर्म पानी में तो ये सॉफ्ट हो चुकी है ये देखें इस ये सारी चीज़ों को हम हल्के से पानी डालकर बॉयल कर लेंगे मगर इसके साथ हम ये भी डालेंगे तो मुझे इसको थोड़ा क्रश कर लेना है क्योंकि मैं ये साबुत डालूंगी इसके अंदर तो ये अच्छे से पीसा नहीं जाएगा जब हम पीसेंगे तो भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा साबुत रह जाएगा सो so, इसको क्रश करके डालेंगे तो जब हम इसको पीसेंगे तो ये अच्छा सा पिस जाएगा इसको क्रश करने के लिए मैंने लिया हुआ है धनिया डेढ़ टेबल स्पून जितना जीरा डेढ़ टेबल स्पून जितना साबुत वाला मैंने लिया हुआ है एक टेबल स्पून साबुत वाले ब्लैक पेपर एक टी स्पून शाही जीरा आठ से दस लौंग एक छोटी साइज की साबुत वाली ब्लैक इलायची आठ से दस छोटी वाली लाल मिर्चें ये आपको जितनी चाहिए उतनी डालें, दालचीनी मैंने ली हुई थी दो और नमक पहले ही मैं सारी चीज़ों को क्रश कर लूंगी और थोड़ा सा हमने पानी मिलाना है ये इसका स्टेप वन है ये जब बॉईल हो जाएगा इसके बाद हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर दे मिलाएंगे देखिए मैंने सारा मसाला क्रश कर लिया मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी डाल देंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा और इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी जब तक कि हमारा गोश्त गल जाए इसमें दाल और गोश्त सारी चीज़ें गल चुकी है मैं इसमें से गोश्त निकाल लूँगी और थोड़ा सा पानी है तो मैं इसको जला लूँगी अभी इसके अंदर ये गोश्त रखूँगी तो ये सारा मैश हो जाएगा मुझे मैश नहीं करना गोश्त को इस वजह से मैं गोश्त अलग से निकाल रही हूँ इसके अंदर से मैंने सारे गोश्त के पीसेस निकाल लिए हैं अभी इसके अंदर इतना पानी बचा हुआ है मुझे इसको पूरा जला लेना है और पूरा ड्राई कर लेना है थोड़ा सा नीचे लगेगा उतना तक मुझे इसको जलाना है ताकि बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके अंदर थोड़ा सा मैश भी हो जाएगा तो मुझे मसला नहीं क्योंकि मुझे इसको पीसना ही है जो हमने गोश्त निकाला हुआ था ये ठंडा हो गया मैं इसको इस तरह से हाथ से श्रेड कर लूँगी सारे को ये हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है इसके अंदर पानी अच्छा सा खुश हो चुका है अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी स्टेप टू के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम जितना कीमा मैंने 300 ग्राम जितना कीमा लिया वो इस ये फ़ैट के साथ है बिल्कुल रूखा नहीं होना चाहिए फ़ैट के साथ कीमा अच्छा लगता है जो हमारा मसाला था वो रेडी हो चुका है क्योंकि ठंडा भी हो चुका है और मैंने इसको पानी भी जला लिया था तो बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में हो गया है ये जो हमने मटन किया हुआ था गोश्त उसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया इसके हिस्से का मसाला हमने डालना बाकी है इस वजह से मैंने लिया हुआ है वन एंड हाफ़ टेबल स्पून ईच मैंने मिला हुआ है रोस्टेड धनिया ज़ीरा पाउडर वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर चिली फ्लेक्स मैंने मिलाई हुई है वन टेबल स्पून और गरम मसाला मैंने मिलाया हुआ है वन टी स्पून होम मेड है मेरे पास नमक अपने टेस्ट के हिसाब से क्योंकि इसके अंदर हमें नमक की जरूरत होगी एग एक, एक मैं डालूंगी इसके अंदर अगर जरूरत पड़ी तो मैं ज़्यादा डालूंगी वरना बाइंडिंग हो जाएगी तो एक मेरे लिए काफ़ी है एक मीडियम साइज़ का प्याज इसको मैंने चॉप कर लिया है धनिया तकरीबन तीन से चार टेबल स्पून जितना चॉप किया हुआ ये पुदीना है ये भी इसी की क्वांटिटी जितना चाहिए तकरीबन तीन से चार टेबल स्पून जितना चॉप करने के बाद मैं इसको चॉप कर लूँगी जब डालूंगी अभी काला हो जाता है इस वजह से मैंने चॉप नहीं किया हुआ है और ये है अदरक लहसुन हरी मिर्ची और बुलेट चिली हरी मिर्ची मैंने दो ली हुई थी इसके अंदर बुलेट चिल्ली मैंने तीन ली हुई थी और तकरीबन एक इंच का टुकड़ा झंझर का और लहसन मैंने लिया हुआ था चार जवे ये सारी चीज़ों को साथ में मैंने चॉप कर लिया और ये इसका चॉप रेडी है अब सबसे पहले इसको मैं पीस लूँगी ताकि ये अच्छा सा पिस जाए उसके बाद मैं इसके अंदर ये मिला दूँगी ये मसाला मेरा अच्छे से पिस चुका है और ये वाला कीमा भी था मैंने डबल मशीन से निकलवाया था मतलब ये बहुत ज़्यादा बारीक है मोटा मोटा नहीं है और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए इसको भी हम पीस लेंगे इसके साथ कीमा मैंने पिस लिया है ये हमारा गोश्त हम इसी तरह से डालेंगे इसके अंदर जो रेशा रेशा है वो प्याज अदरक लहसन हरी मिर्ची चॉप की हुई धनिया और पुदीना ये सारी चीज़ें डाल देंगे हम इसके अंदर धनिया जीरा ब्लैक पेपर चिली फ्लेक्स और होममेड गरम मसाला ये डाल देंगे नमक डालेंगे इसके अंदर मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि मिक्स करने में इजी रहे इसको मैं मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को मेरे घर में पूरे जो नॉर्मल वाले शामी कबाब है वो खाए नहीं जाते तो मैं इस तरह से बनाती हूँ फ्लेवर भी शामी कबाब का आ जाता है और बहुत ज़्यादा मैशी मैशी भी नहीं लगती है ये कीमा मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है मैं इसमें डाल दूँगी एग इससे ज़्यादा नरम होगा आपका बैटर तो इसमें एग डालने पर और ज़्यादा ये ही हो जाएगा इस वजह से आप इसको थोड़ा सा हार्ड ही रखिएगा ताकि ही नहीं हो इसको मैं शामी कबाब का जो साइज़ होता है उससे थोड़े से बड़े बनाऊँगी कबाब क्योंकि इसके अंदर कच्चा कीमा है तो ये जब हम फ्राई करेंगे तो थोड़ा श्रिंक होगा इस वजह से मैंने थोड़े से बड़े बनाने हैं ताकि जब मैं फ्राई करूं तो ये अपने प्रॉपर शेप में आ जाए ये हमारे कबाब बन के रेडी है आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं ऑयल मैंने ले लिया थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है पैन में अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी हमारे कबाब मैं बिल्कुल शेलो फ्राई नहीं कर रही हूँ थोड़े ज़्यादा ऑयल में पका रही हूँ और मैंने कबाब को थोड़ा सा बड़ा पतला बनाया हुआ है क्योंकि इसके अंदर कच्चा कीमा है तो ये थोड़ा सा श्रिंक होगा इस वजह से फिर बाद में ये अपने शेप में आ जाएगा इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है ये मेरे शामी कबाब बन के रेडी हैं ये देखिए इतने सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और आप इसको तोड़ेंगे तो भी इसके अंदर रेशे निकल आएँगे आप न, रेशे नज़र आ रहे हैं जैसे हम नॉर्मल शामी कबाब खाते हैं उस तरह के रेशे हैं और ये उससे ज़्यादा मज़े के और सॉफ्ट भी हैं ये रेडी मैं कच्चे कीमे के शामी कबाब बहुत मज़े के और बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं आई होप आप ट्राई करेंगे आपको ज़रूर से पसंद आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग